Assalamu alaikum dear students, welcome xpacademy.com जहां पर आप step by steps Artotics Art Camp उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। Dear students, इससे पहले के lessons के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने polyline को use किया, लेकिन polyline के अंदर कुछ options मैंने छोड़ी थी part 2 के लिए। अब तक हमने देखा कि लाइन को ड्रॉ कैसे किया जाता है, लाइन को क्लोज कैसे किया जाता है, लाइन को स्मूथ कैसे किया जाता है, अगर पॉइंट कोई गलत हो जाए तो उसको अंडू कैसे करेंगे, तो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह की हमने चीजें देखी थी। अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करता चलूं, अगर आपने इसे पीछे वाला लेसन नहीं देखा तो मस्ट आपको देखना होगा, अगर नहीं देखेंगे तो आप इस लेसन को डिटेल से समझ नहीं पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हमने ये देखना है कि पॉली लाइन को कमांड देकर या वैल्यू टाइप कर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके साथ साथ हम देखेंगे रूरल वगैरह कैसे हमारे पास एक्टिव होता है, समथिंग लाइक दिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। लेकिन स्टूडेंट्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, xpacademy.com आपको मुख्तलिफ कोर्सेज की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इन कोर्सेज में सारे फेरिस्टर कोर्सेज में शामिल है एंडस्केप, 3D Lumia, Revit, V-Ray for 3D Studio Max, Interior Designing, जो कि बहुत ही इजी और एक आसान सा सब्जेक्ट हमने यहाँ पे डाला है, प्लीज आप इसको देखिएगा, वीडियो एडिटिंग, AutoCAD Civil 3D, Elevations, Earn Money with YouTube, AutoCAD, 3D Studio Max, Photoshop, Google SketchUp और बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप Xpacademy से हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस लेसन को। मैं अपने पास अपनी लास्ट फाइल को ओपन कर देता हूं, मीन के इससे पहले के लेसन के अंदर जहां पर हमने क्लोज किया था वहां से अपने काम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमें साथ में रूलर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब रूलर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि हमने कुछ डायमेंशन टाइप की थी। जब हम न्यू मॉडल लेते हैं, अपने मॉडल का एरिया डिफाइन करते हैं और समटाइम हमें उस चीज को साथ साथ देखना होता है, इसके लिए थोड़ा आपको व्यू में जाना होगा और रूलर को शो के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही शो रूलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा आपके पास इसकी एक्स की कितनी आपके पास डायमेंशन बन रही है, और अगर आप इसको वाई पे देखेंगे तो आपको बता देगा वाई की भी डायमेंशन आपके पास कितनी बन रही है, यानी कि हमारे पास ये जो मॉडल है इसका जो हमारे पास एरिया है 200 बाय 200, आप ये इंफॉर्मेशन यहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हमने क्या करना है, पॉलीलाइन को कोऑर्डिनेट्स की बेस पे ड्रॉ करने का मेथड सीखना है। कोऑर्डिनेट्स यानी कि आप इसको वैल्यूज देकर कैसे काम करेंगे। मैंने पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक किया, जब आप स्टूडेंट्स पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको बेसिकली यहां पर एक कंप्लीट बॉक्स मिलता है, ये आपके पास टोटली इंफॉर्मेशन आपको देता है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं यहां पे स्मूथ अनचेक आपको नजर आएगा, 1 2 3 4 5, मैं इसको स्किप कर देता हूं तो मेरे पास ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। आगे मैंने पॉइंट लाइन ले ली और मैं स्मूथ को अगर यहां पे क्लिक कर देता हूं, और अब आप देखिएगा आपके माउस के साथ यहां पे एस भी बना हुआ चुका है, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको अगेन राइट क्लिक कर देता हूं या स्पेस लगा देते हैं तो देखिए मेरे पास ये स्मूथ की ऑप्शन रहते हुए ये कुछ ऐसे काम करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो आपके पास क्या है, एड टू एक्सटेंशन लाइन। मिसाल के तौर पे आप ये चाहते हैं कि अगेन इसके साथ एक लाइन ऐड कर दी जाए, ठीक है। अब मैं अगर यहां से लाइन स्टार्ट कर देता हूं, इधर से ये मैं स्पेस लगा देता हूं तो स्केप कर देता हूं, अब देखिए मेरे पास एक अलहदा से लाइन है और ये एक अलहदा से लाइन है। सम सिचुएशन में ऐसा होता है जो आपने लास्ट लाइन ड्रॉ की होती है, ठीक है, जैसे कि देखिए 1 2 3 4, मैं चाहता हूं यहां से एक कोल लाइन स्टार्ट हो जाए। मिसाल के तौर पे आपने स्केप कर दिया है या बाज वजूहत की वजह से आप बाहर आ चुके हो, अगेन आपने पॉइंट लाइन को एक्टिव करना है और जस्ट आप एड एक्सटेंशन लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहां पर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये देखे, मैं इसको स्पेस लगा देता हूं, अब ये एक ही लाइन कंसिडर होगी क्योंकि इसको इसके साथ शामिल कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्मूथ का भी आपने देख लिया और स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली आपके पास स्ट्रेट ही है, और एड एक्सटेंशन को भी आपने समझ लिया होगा यहां पे। अब जो चीज हमने नेक्स्ट देखनी है वो क्या है, जब आप पॉइंट लाइन को लेते हैं तो आपके पास यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की ऑप्शन आती है जिसमें आपके पास एक्स जीरो है, वाई जीरो है, मीन आप लाइन को कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से क्या मुराद है,
आपके पास ये एक्स का पॉइंट है जो कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है, और नीचे से ऊपर अप टू डाउन आपके पास वाई का पॉइंट है। अगर आप इसको कहते हो कि मैंने इसको मिडल से स्टार्ट करना है, अब देखें एक्स की बेस पे जो मिडल बनेगा वो आपका 100 बनेगा, और वाई की बेस पे जो मिडल बनेगा वो भी 100 बनेगा। क्यों? मेरे पास जो टोटल मॉडल का एरिया है वो 200 बाय 200 है। अब 200 का आधा मिडल आ जाएगा और 200 का आधा मिडल आ जाएगा, यानी कि आपका इस पॉइंट से आपने लाइन को स्टार्ट करना है। अब ठीक है, अब यहां पर अगर आप क्लिक करें तो बड़ी मुश्किल से क्लिक करने से तो हो तो जाएगा, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। तो क्यों नहीं आप यहां पर आ जाए एक्स के ऊपर, आप कहें मुझको 100 और 100 पे स्टार्ट कर दो पॉइंट को। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें बिल्कुल मिडल पे ये लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक हो गया, आपने ऐड के ऊपर क्लिक किया, ऐड के ऊपर क्लिक करने से आपको बता देगा कि आपके पास 100 100 पॉइंट्स कहां पे आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें चीज आ रही है वो आपसे आपका एंगल डिमांड कर रहा है। अगर आपने कोई एंगल देना है, लेट से कि मैं कहता हूं मुझे 45 के एंगल के ऊपर एक लाइन चाहिए जिसकी लेंथ, आगे देखें आपके पास डिग्री और लेंथ, लेंथ जो होनी चाहिए वो मिसाल के तौर पे आप कह देते हैं मुझे 50 mm की चाहिए। आपने 50 mm टाइप किया और एट पॉइंट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहां से ऊपर, ठीक है, डिग्री 45 और लाइन की जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, यहां पर डेफिनेटली 50 की आपके पास ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां पर स्केप करूंगा तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या ये लाइन वाकई 50 की है। तो आपके पास यहां पर डायमेंशन है, ठीक है, मयरमेंट टूल है। आप मयरमेंट टूल के ऊपर चले जाएं, आप इसको एक पॉइंट देंगे, आप इसको दूसरा पॉइंट देंगे तो आपके पास यहां पे आपको बता देगा कि आपके पास इसका डिस्टेंस क्या था और आपके पास इसका एंगल क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या है, कर्सर की पोजीशंस क्या है, तमाम डिटेल्स आपको ये यहां पर निकाल कर बता देगा। मैं इसको स्केप लगा दूंगा तो वापस ही खत्म कर देगा। ठीक है, वापस आप पॉलीलाइन के ऊपर चले जाएं। स्टूडेंट्स मैं पॉलीलाइन के ऊपर आ गया हूं यहां पे, और इसमें आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक यहां पे क्लिक किया हुआ है, अब आप ये चाहते हैं कि एक्स के ऊपर 50 mm की लाइन आ जाए, तो मैंने जस्ट 50 टाइप करके मैं इंटर कर देता हूं तो मेरे पास ये देखिए 50 की एक्स के ऊपर लाइन आ चुकी है। ऊपर की तरफ जाना है तो डेफिनेटली आपने वाई को चूज करना होगा, वाई एमएम के ऊपर आपने 50 के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है तो आपने इंटर किया। अब इस तरह से आप पीछे की तरफ आना चाह रहे हैं या क्लोज करना चाह रहे हैं, टैब लगा देंगे तो क्लोज कर देगा, पीछे की तरफ आने के लिए -50 लगा देंगे तो आपके पास पीछे की तरफ चला जाएगा, नीचे की तरफ आने के लिए -50 लगा देंगे तो आपके पास ये नीचे की तरफ आकर एक बॉक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ वैल्यूज देकर काम कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वापस यहां पर आ जाए लाइन के ऊपर ही, और यहां पर आप कहते हैं कि आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट एक्स का जो पॉइंट है मिसाल के तौर पर आप कहते हैं 0 हो, इस चीज को समझिएगा। अब एक्स क्या है, ये यानी कि यहां से आगे की तरफ चलता है, आप कहते हैं 0 हो तो ये इसका 0 पॉइंट है, और कहते हैं जी वाई का जो पॉइंट है वो आपके पास चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बोला एक्स 0 है और वाई का जो है वो आप 100 कर देते हैं, और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा आपके पास ये एक्स का पॉइंट यहां से एक्टिव हो चुका है। अब आप मजीद जिस तरफ को लाइन लगाना चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दूसरा ये तरीका था मेरे पास कि आप अपने पास एक तो सिंपली बाय क्लिक से पॉलीलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा जो मैंने अभी आपको मेथड बताया पार्ट टू के अंदर जस्ट मैंने आपको ये चीजें बताई हैं कि अगर आप इसको वैल्यू देकर लगाना चाहें तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। बाकी की तमाम डिटेल्स आपको पार्ट वन के अंदर मिलेगी पॉलीलाइन की, यानी कि इसको क्लोज कैसे करना है, आपने इसको अंडू कैसे करना है, एंड सो जो उसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसके लिए आपको पार्ट वन देखना मस्ट है। तो डी स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और इसकी आपने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस भी मस्त करनी है। इसमें जो आपने नई चीज देखी है वो एक रूलर देखा है, और दूसरा आपने देखा कि इसके बॉक्स के ऑप्शंस को कैसे यूज करके आप पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। मजीद मालूम और अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होता हूँ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।